हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैंने कई सारे वीडियो में आपको बहुत कुछ बनाना बताया है, जैसे चेन बनाना बताया है, डबल क्रोशिया बनाना बताया है, हाफ डबल क्रोशिया बनाना बताया है, हाफ डबल क्रोशिया टुगेदर बनाना बताया है। तो जो लोग देखे हैं वो लोग प्लीज लाइक कर दें, और जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरा चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बहुत ही सिंपल एक डिजाइन बता रही हूँ, उससे आप लोग ये टेबल मैट बना सकते हैं और थालपोश भी बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, जो आप चाहोगे वो बन जाएगा ये डिजाइन से। तो ये बहुत सिंपल डिजाइन है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये चेन बना लिया है। सबसे पहले चेन बनाना है, ये देखिए मैंने चेन बनाया है, और चेन बनाना भी आपको मैंने बताया, चेन बनाना बहुत आसान है। बस इस तरह से ऐसे करेंगे, इधर से धागे को फंसाएंगे और इस तरह से ऐसे निकाला, ये बन गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस डिजाइन के लिए, मैं ये धागा फंसाऊंगी और एक दो चेन छोड़ के तीसरे वाले चेन में डबल क्रोशिया करूंगी। ये सारा रो मैं डबल क्रोशिया करूंगी, और आपको ये मैं छोटा सा बता रही हूँ डिजाइन के लिए, आपको जितना बड़ा बनाना होगा उस हिसाब से आप चेन बनाना। जैसे आपको टेबल मैट बनाना है तो उसके लिए आप अपने टेबल का नाप ले लीजिएगा और उसको नाप करके और फिर बनाना आप कि कितना बड़ा मेरा टेबल है, तो उस हिसाब से आप चेन बना लीजिएगा। और फिर चेन बनाने के बाद आप उसको डबल क्रोशिया कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये चेन जब भी आप डालोगे तो काउंट करके डालना, क्योंकि ये चार चेन के बाद ही हमें करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं ये पूरा रो डबल क्रोशिया कर रही हूँ। डबल क्रोशिया भी बनाना बताया था मैंने, डबल क्रोशिया उसको बोलते हैं कि इसको दो बार गिराना होता है। ये देखिए दो बार लिया, ऐसे करने के बाद देखिए यहाँ डाला, फिर ऐसे लिया फंदे को, फिर एक बार में दो गिराया, फिर एक बार में दो गिराया, इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये रो मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट करके आपको, ये देखिए ये मेरा पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब मुझे टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए मैंने बताया था आपको कि पहले दो चेन लेना है, फिर ऐसे टर्न करना है हमें। टर्न करने के बाद ये जो पहला है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये दूसरे वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मैं यहाँ तक डबल क्रोशिया कर लूं तो उतना बड़ा भी चलेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हमें करना है, चार चेन लेना है, एक दो तीन चार, चार चेन लेने के बाद हमें एक दो तीन चार, चार चेन ये छोड़ के इसमें पांचवें वाला में हमें चार बार डबल क्रोशिया करना है। ये बहुत सिंपल डिजाइन है, आप आराम से बना सकते हैं, इसीलिए मैं ये बता रही हूं आपको। जिनको कम आता है वो भी ये बना सकते हैं, सिर्फ क्रोशिया चलाना आना चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत आसान है, इसीलिए मैं ये डिजाइन बता रही हूँ आपको। ये बहुत अच्छा फ्लावर बनता है, ठीक है। फिर ये चार हमारा हो गया, एक ही में चार बार करना है, तो ये चार हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद फिर से मैं चार चेन लूंगी, एक दो तीन चार, चार लेके
फिर से मैं चार यहाँ पे छोड़ूंगी, एक दो तीन, जैसे कि मैं इसमें की थी इस चेन में, और ये मैं फिर से चार छोड़ूंगी उसके बाद वाले से, एक दो तीन चार, ये पांचवे वाले में फिर से मैं चार बार डबल क्रोशिया करूंगी। एक बार मैंने किया और उसी में देखिए, जिसमें मैंने एक बार किया उसी में फिर से, ये देखिए मैं फिर से डाल रही हूँ। आप ये दो कलर में भी बना सकते हैं और एक कलर में भी बना सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे चेन डालूंगी एक, और फिर से दो उसी में करूंगी। देखिए दो किया और दो फिर से उसी में करूंगी। चार मैंने इसी में कर दिया। अब फिर से मैं चेन लूंगी, एक दो, सॉरी थोड़ा सा फंस रहा, तीन चार। चार करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे ये चार छोड़ के और फिर यहाँ पे करूंगी, और फिर यहाँ पे उस साइड जैसे मैंने दो बनाया डबल क्रोशिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया ना दो, तो लास्ट में यहाँ पे भी, सॉरी दो नहीं मैंने बनाया, तीन बनाया, एक दो तीन, एक चेन बनाया था और दो और तीन है, तो यहाँ पे भी तीन बनेगा। दो हो गया तीन, तीन चेन में मैं ये बना दूंगी, ठीक है। अब ये एक रो हो गया। अब इसके बाद फिर से मैं ये दो चेन बनाऊंगी, दो चेन बनाने के बाद फिर मैं इसको ऐसे पलट दूंगी। देखिए पलटने के बाद फिर मैं एकदम स्टार्टिंग वाले चेन में, ये एक बन गया बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, में फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये क्या होता है, साइड का डिजाइन बनते रहता है। देखिए फिर एक मैं इस चेन में डालूंगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे मैंने डाला, और ये बहुत सिंपल है, ये सबसे बन जाएगा, बहुत आसान है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो समझ में नहीं आने लगता है लोगों को। तो फिर से मैं ये चार चेन फिर से मैं रिपीट वही करूंगी जो नीचे मैंने किया। तो यहाँ पे क्या करना है, चार चेन लेने के बाद फिर ये जो बीच में मैंने एक चेन बनाया था उसी में चार डबल क्रोशिया करूंगी, ठीक है। दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसी में मैंने चार डबल क्रोशिया किया, ठीक है, और ये चार चेन बनाया। अब फिर से यहाँ पे मैं चार चेन बनाऊंगी, एक दो तीन चार, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं इसमें रिपीट वैसे ही करूंगी जैसे इसमें किया था, इसमें जैसे किया था वैसे ही इसमें भी बनाऊंगी, ठीक है। फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगता है, आपका मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और लाइक करने में तो पैसा लगता नहीं है, आप लाइक कर दोगे तो मुझे और सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने चार इसमें बना दिया। अब फिर से यहाँ पे चेन लूंगी, कितना चेन लेना बताया था आपको, चार चेन लेना बताया था, ठीक है। तो फिर से मैं चार चेन लूंगी, और फिर यहाँ पे कितना बनाना है, तीन बनाना है, ठीक है, यहाँ पे तीन बनाऊंगी,
तीन कौन सा डबल क्रोशिया करना है, ठीक है, एक दो और ये तीन, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा रो कंप्लीट हुआ, ये देखिए तीन रो कंप्लीट हुआ, चार रो में ये डिजाइन कंप्लीट होता है। तो ये तो एक बॉर्डर बन जाता है नीचे वाला, और ये जो है तीन रो में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब मैं फिर ये टर्न करूंगी, तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पे दो चेन लूंगी। ओके फ्रेंड, अब उसके बाद टर्न करने के बाद क्या करना है, दो और डबल क्रोशिया करना है यहाँ पे। तो एक और दो, दो डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दो डबल क्रोशिया करने के बाद फिर यहाँ पे हमें इसे बांधना है, दो चेन जो ये मैंने बनाया है इसको बांधना है। तो बांधने के लिए हमें क्या करना है, दो पहले चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद फिर इसको यहाँ से क्रोशिया को ऐसे अंदर लेके जाएंगे, और यहाँ से इसको फंदे को फंसाएंगे, और सॉरी फंदे नहीं धागे को, और फिर इसको हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया कर देंगे, ठीक है, इसका सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर उसके बाद फिर दो चेन लेंगे, दो चेन लिया, और फिर इसमें मैं चार डबल क्रोशिया करूंगी, ठीक है। ये देखिए इसमें फिर से चार डबल क्रोशिया हो जाएगा, दो डबल क्रोशिया की, फिर एक चेन बनाया, फिर से यहाँ पे दो डबल क्रोशिया करूंगी, ये देखिए दो डबल क्रोशिया कर दिया। अब फिर यहाँ पे दो चेन बनाऊंगी, एक दो, ठीक है, और फिर इसे बांधना है, जैसे यहाँ पे बांधा वैसे ही। देखिए ये यहाँ से ऐसे क्रोशिया जाएगा, और ये धागे को ऐसे फंसाते हुए यहाँ आके सिंगल क्रोशिया, कैसे कहते हैं, एक बार में ही गिरा लेना होता है उसको, सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो इसको मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ये देखिए ये फ्लावर बन गया ऐसे, ये बहुत सिंपल डिजाइन है, आप आराम से बना सकते हो, अपने टेबल मैट बना सकते हो, कालीगन बना सकते हो, जैकेट बना सकते हो। अब ये देखिए, अब फिर यहाँ पे दो चेन बनाऊंगी मैं, और फिर इसमें चार डबल क्रोशिया, एक तीन और एक चार, ठीक है। अब यहां पे फिर से दो चेन लूंगी और फिर इसको बांधूंगी, दोनों चेन को एक साथ लेते हुए ऐसे धागे को फंसाया, और फिर इधर सिंगल क्रोशिया किया, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा ऐसे फ्लावर बन जाता है इस तरह से। इसको फिर मैं एक दो चेन करके, और फिर से ये सबसे पहला चेन में तीन यहाँ पे डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये डिजाइन कंप्लीट हो गया, और फिर आपको जितना बड़ा करना है ऊपर आप फिर से रिपीट ऐसे ही बनाते जा सकते हैं। ये
ये दो चेन लेके टर्न करना हमें, एक दो टर्न करके, और फिर ये तीन डबल क्रोशिया करने के बाद इसमें आप चार चेन, चार डबल क्रोशिया करोगे, फिर चार चेन, चार डबल क्रोशिया, तो ऐसे ये आगे फ्लावर बनते जाएगा। ठीक है, आपको ये डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।